नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व मॉड्यूलर की। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वीडियो है। इसमें अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका प्रेशर होल्ड नहीं होता है, तो आपको कैसे इसको क्लीन करना है मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। और दूसरा फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अभी से मैं जो है एक्टिव मूड में आकर के आप लोगों को नए नए वीडियो देने वाला हूँ। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को बटन को दबाइए। दूसरा, अभी मेरा जो है यूट्यूब पे एक लाइव क्लास का प्रोग्राम बन रहा है, तो आप लोग अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं हर संडे, तो आप जो है मेरा गुरु द्रोणा करके प्लान है, जो कि आप मेरे चैनल में जा क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन का एक निशान आएगा सब्सक्राइब के पास, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके वो प्लान ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो देखिए मेरा ये वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो। फ्रेंड्स, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो है, ये एक थ्रोटल कम चेक वाल मॉड्यूलर, यानी ये मॉड्यूलर टाइप का वाल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मॉड्यूलर अक्सर हम एक वाल के नीचे दूसरा वाल लगाते हैं, उसको मॉड्यूलर वाल बोलते हैं। जैसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल के नीचे जितने भी वाल लगते हैं, उसी की माउंटिंग के साथ, उन्हीं बोल्टों के साथ, उनको हम मॉड्यूलर वाल बोलते हैं। तो आपके अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास जो है अभी पॉलीहाइड्रोन का ये चेक वाल है मॉड्यूलर में, थ्रोटल कम चेक वाल। तो इसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे इस टाइप के रहते हैं। अब इस टाइप का देखते ही हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि यार ये तो जो है कोई रिलीफ वाल होगा या आपका रिड्यूसिंग वाल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर आपको उसका ग्राफिक सिंबल देखना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिखाया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो वो फ्लो कंट्रोल एंड चेक वाल का दिखाया हुआ है, यानी थ्रोटल एंड चेक वाल है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चला कर यहाँ पे रिलीफ वाल या फिर आपका रिड्यूसिंग वाल का होता, तो फिर वो आपका उसी तरीके से वर्क करता है, यानी रिड्यूसिंग या रिलीफ की तरह काम करता है। बट अभी जो आप देख रहे हो थ्रोटल एंड चेक वाल का नाम भी लिखा हुआ है, जैसे रेक्सोरथ का होता है उस पर खाली सिंबल होता है या मॉडल होता है, नाम नहीं होता, सिंबल भी नहीं होता कई बार, तो वो आपको मॉडल का कैटलॉग निकाल के भी देखना पड़ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी NG10 में मेरे पास है, और इसके अंदर जैसे कि आपको पता है NG10 में दो टी दिया होता है, ये दोनों टी है, ये आपका पी है, ये ए और बी है। अभी एक्चुअली हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ जैसे कि थ्रोटल लिखा है, तो हमें जो हमारा ऑयल का फ्लो होता है उसको थ्रोट करना होता है, यानी उसको कम करना होता है कहीं पे। 20 LPM का जैसे आपका पंप है, आपको कहीं पर स्पीड रिड्यूस करना है आपके सिलेंडर का, तो फिर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और अगर कहीं पर आपके पास ऐसा हो कि जहाँ पर सिलेंडर का स्पीड आपका ज़्यादा हो, सिलेंडर का स्पीड ज़्यादा है और आपको जो है वहाँ पे स्पीड कम करना है, और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मेरी बोल्ट अलग से जोड़ूँ या वाले चेंज करूँ सारा, तो मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा कि अगर NG10 का वाल है तो NG10 का ही थ्रोटल एंड चेक वाल आप परचेज करिए, वो उसके नीचे आप कनेक्ट करने का और उसको लगा देने का। तो जब आप उसको लगा दोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो है आप स्पीड जो चाहेंगे, आप ए और बी, जैसे ए है बी है, वो सीधा यहाँ से जब आप टाइट करोगे इसको, तो वो वर्क करने आपका जो है कम करेगा फ्लो को, यानी थ्रोट करेगा, तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। अभी देखिए इसको, इसमें क्या टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। कई बार क्या होता है कि हम इसको टाइट करते चले जाते हैं, बट उस केस में भी आपका फ्लो कम नहीं होता, या कई बार हम इसको पूरा ओपन कर देते हैं तभी आपका फ्लो बढ़ता नहीं है। तो उससे निपटने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये पूरा किट खोलना होता है, ये कार्ट होता है इसका, इस कार्ट को आपको खोल लेना है। इस कार्ट को खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग मिलेगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको जब आप प्लस माइनस करते हैं तो देखिए ये आगे की तरफ निकल रहा है, आगे जाएगा। तो आगे जाकर के ये करता क्या है वो आपको देखना है। इसमें आप देखोगे तो ये जो होल है यहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा ये बाहर आ जाए, देखिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला है। एक्चुअली जब जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते हो, क्योंकि ये स्प्रिंग इसका कहता है, तो होल आपका ये होता है, ये इधर सामने से, यानी जो आपका पी पोर्ट है ये वाला, यहाँ से जो ऑयल आपका ऊपर जाता है, ऊपर मीन बोले तो जो आपके वाल के अंदर जाता है, और जब वो पी टू बी कर रहे हैं या पी टू ए कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो आपका ऑयल जा रहा है वो यहाँ से इस होल के अंदर होकर के फिर आपका जो है नीचे की तरफ निकलता है। तो अभी इसके अंदर से जैसे कि यहाँ से ऑयल एंट्री किया, यहाँ से निकल के वो आपका बी में जाएगा। तो अगर
आप इसको टाइट करते जा रहे हैं ऐसे, टाइट करते जाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आगे निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, इससे आगे बढ़ेगा तो आपका रास्ता यानी छोटा हो गया। जब रास्ता छोटा हो जाता है तो क्या होता है, आपका फ्लो कम हो जाता है और आपके सिलेंडर की स्पीड कम हो जाएगी। तो जो और आप इसको लूज करते चले जाएंगे तो ये आपका रास्ता बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा। तो यही इसका मेन काम होता है, बस इतनी काट होती है, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो खाली बॉडी है, ठीक है। उसके अंदर आप लगा करके और इसको बंद कर सकते हो, अगर कचरा वगैरह आया है वहाँ पे तो उसको आप जो क्लीन कर सकते हो। अगर आपका ऑयल लीकेज हो रहा है यहाँ से इसके पास से तो आप यहाँ पे जो है ओरिंग चेंज कर सकते हो। इसके अंदर भी जो है यहाँ पे ये लॉक पड़ा रहता है, ये लॉक खोल के इसके अंदर, जब इसको आप अंदर की तरफ बाहर की इधर निकलेगा ये, इसको खोलते जाओगे ये लॉक निकाल के, ये वाला लॉक निकाल के, दोनों लॉक निकाल के, तो यहाँ इसके अंदर एक ओरिंग होता है, वो ओरिंग भी आप चेंज कर सकते हो। जब आप इस लॉक को निकालोगे तो ये पूरा का पूरा आगे से बाहर निकल जाता है ये लीवर, और आप वहाँ पे ओरिंग चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरीके से ओरिंग चेंज करना है या नया डालना है, वो आप अपने हिसाब से परचेज करें। जब भी इसको फिट करते हैं तो ध्यान रखें, कई बार ये दिक्कत करता है। तो ये देखिए इस साइड में लेना है स्प्रिंग का, जो ये सादा बना हुआ है इसमें जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, और इसको मिला करके डालिएगा तभी ये टाइट होगा, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें पूरा आप टाइट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम अगर मैं इस साइड में जाता हूँ तो इस साइड में भी आपका वही चीज़, सब चीज़ें निकलने वाला है देखिए, और वही सब चीज़ें के, और कुछ नहीं होता इसमें, बस इतनी चीज़ होती है। बट हम इसको देख के अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डर जाते हैं कि पता नहीं इसमें क्या हो गया है, मेरे को तो ये सही भी नहीं करना था, सही होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सही हो जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ देखना है, इसमें दो चीज़ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मीटर इन मीटर आउट। तो इसको किस तरीके से आप लगाओगे तो ये आपका मीटर इन कहलाएगा, और किस तरीके से आप लगाओगे तो मीटर आउट कहलाएगा। अब इन्होंने बोला है अगर आप ये वाला एरो ऊपर रखते हैं तो आपका मीटर आउट हो गया, यानी आप अगर इसको इस तरीके से लगाते हैं, इसके ऊपर वाल लगाते हैं तो ये आपका मीटर आउट कहलाएगा। अगर आप पलट के इसको ऐसे लगा देते हैं तो ये मीटर इन हो जाएगा, ठीक है। मीटर इन मीटर आउट मैं जैसे अपनी जो लाइव क्लास चलती है उसके अंदर आप लोगों को बताता ही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आप मेरी लाइव क्लास जूम ऐप पे ले सकते हैं, ठीक है। अगर जूम ऐप पे भी नहीं जुड़ना चाहते तो आप लाइव क्लास जो मैं हर संडे, अब आगे प्लान कर रखा है मैंने, उसके अंदर हर संडे मॉर्निंग में हम करेंगे, जो कि आप यूट्यूब पर एक प्लान है 299 गुरु द्रोणा करके मेरा प्लान है, उस प्लान को आप चूज़ करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो में भी दिया है लिंक, वहाँ जा करके तो आप जो है उससे भी वो प्लान चूज कर सकते हैं, और हर संडे मेरे से लाइव क्लास ले सकते हैं, वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।